श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने से पहले ही टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। माफ करिए, एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। 24 फरवरी से टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज खेली है, लेकिन तेज गेंदबाज दीपक चाहर के सीरीज से बाहर होने के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सूर्यकुमार यादव भी चोट के कारण सीरीज में नहीं खेलेंगे और खुद BCCI ने इसकी पुष्टि कर दी है। सूर्यकुमार के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, जबकि चाहर को वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी T20 मैच में गेंदबाजी के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी। एक क्रिकेट वेबसाइट पर भरोसा करें तो सूर्यकुमार ने सीरीज से पहले लखनऊ में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन अब उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया है। अधिकारी ने इसी के साथ ये भी बताया कि टीम ने दीपक चाहर के रिप्लेसमेंट के रूप में किसी अन्य खिलाड़ी की मांग नहीं की है। अधिकारी ने कहा है, टीम ने कोई विकल्प नहीं मांगा है क्योंकि उपकप्तान जसप्रीत बुमराह पहले ही टीम में शामिल हो चुके हैं। वहीं बायो बबल प्रोटोकॉल के कारण सूर्यकुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी टीम में किसी को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत के पास पहले से ही पर्याप्त बैकअप विकल्प मौजूद है। BCCI की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये दोनों खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा करेंगे।